तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज, तो जिसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी होगी। आप उस तरीके से काटेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा फिटिंग मिलेगा। तो उसके लिए आपको मैं अपना मेजरमेंट बता देती हूँ। देखिए, मेरा ब्लाउज का मेजरमेंट है पूरी लंबाई 14, छाती की चौड़ाई 36 है, कमर 30 इंच है, पीछे गला 11.5 इंच है, शोल्डर 14 इंच है और हाथ लंबाई हमारी 13 है 3 है, छोटी आस्तीन है, हाथ गेयर 13 है, आर्म होल्स 16 है। और ये मेरे कस्टमर का मेजरमेंट है, बॉडी मेजरमेंट है। अब मैं आपको इस मेजरमेंट से कटिंग बताती हूँ, तो चलिए कटिंग स्टार्ट करती हूँ मैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे नीचे इस तरीके से, ओके। उसके बाद में हमारा जो मेजरमेंट है, पूरी लंबाई हमारी 13 है, तो 13 में 1 इंच प्लस करेंगे तो कितना हुआ, सॉरी 14 है, 14 में 1 इंच प्लस करेंगे तो 15, तो 15 इंच हुआ हमारा। तो 15 इंच को इस तरीके से रखना है यहाँ पर, और यहाँ पर है, यहाँ पर निशान लगाना है, एक ऊपर 15 इंच पे, और ये हो गया हमारा नीचे 5.5 इंच। हाँ, उसके बाद में हमें इस तरीके से ये ओके इस तरीके से हो गया, हमें 3 निशान सबसे पहले खींचना है। उसके बाद में हमारा शोल्डर है 14, तो 14 में से यह 14 का आधा होता है 7, तो 11 इंच जब गला खुली है तो उसमें से हम 2.25 इंच कम कर देंगे, ओके। तो ये जैसे कि हमारा 7 आया, यहाँ से 2.25 इंच कम कर देंगे, ओके। और यहाँ पर हमारा चेस्ट है 36, तो 36 जब 11.5 इंच गला खुली है तो उसमें से हम 1/2 इंच या 1/4 इंच कम कर सकते हैं, तो मैं 1/4 इंच कम कर दे रही हूँ क्योंकि ब्लाउज फैल करके सेट हो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर हम निशान लगा देंगे, ये 11.5 है तो 12 इंच पर निशान लगा दिए, देखिए यहाँ से ऊपर से, यहाँ पर 1/2 इंच दब जाएगा, यहाँ पर 11.5 आ जाएगा, ओके। और यहाँ पर अब देखना है हमें हमारा कमर कितना है, 30 है, तो 30 का चौथा भाग 7.5 पे निशान लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ से 3 इंच एक्स्ट्रा कर देना, ओके। यहाँ पर भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, ओके। तो इस लाइन को इससे मिला देना है, इस निशान को इस तरीके से, एक निशान यहाँ पर भी सीधा मार लेंगे, बरोबर हो गया। यहाँ पर ये टक्स का इतना गैप आ गया 1.5 इंच, ओके। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से सीधी पट्टी रखनी, ओके। और यहाँ से 1 इंच की दूरी पर निशान लगाना है, ओके। और इस तरीके से हमें इसे मिला देना है, ये देखिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, ये शेप पट्टी की मदद से इसे मिला करके इस तरीके से हम शेप दे देंगे आर्म होल का। और अब इसको हम माप लेंगे, पहले तो मापेंगे कैसे, इस तरीके से हाथ को रखा उंगली पे, और यहां से देखना है कितना आ रहा है मेरा आर्म होल, ये आया यहाँ पर 7.5, तो मुझे कितना चाहिए, 8 चाहिए, बरोबर। तो क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे उतार देंगे, अब मापेंगे यहां से, ये मेरा सिलाई मार्जिन दब जाएगा, ओके। ये देखिए अब आ गया 8 मेरा, ये आया 8, ओके। अब मैं इसे कट कर देती हूँ,
गया। अब इस तरीके से हम यहाँ पर ज्यादा इंच इस तरीके से अगर मोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, ये देखिए, ये इस तरीके से स्लोप हो रहा है। ओके, ये यहाँ को जा रहा है, देख रहे हैं ये कैसा तिरछा हो जा रहा है, तो इसलिए इसको सर हम काट देंगे। ये बराबर, तो इससे क्या होगा, ये सीधा हो जाएगा। ये देखिए, अब मैं आगे का बताती हूँ। तो आगे का बताने के लिए मुझे पेपर पे प्रिंसेस कट बताना पड़ेगा, तो मैं अभी आपको पेपर पे बताती हूँ। प्रिंसेस कट डायरेक्ट कपड़े पे नहीं कट होता है। ये हो गया हमारा पेपर, मैंने एक ले लिया है, ये अब यहाँ पर हम एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। ओके, ये हो गया। सबसे पहले मैं आपको एक ये बता देती हूँ, यंत्र छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत ही अच्छा है। तो जैसे यहां से ये मैंने एक पेपर लिया छोटा सा, इसको डबल फोल्ड किया है। अब यहां से 1.5 इंची पर नीचे निशान लगा करके, बराबर ये 1.5 इंची पर मैंने एक निशान लगा दिया है। अब यहां से 1 इंची पर ये, ओके, तो समझिए कि पहले मैंने 1.5 इंची पर ऐसे निशान लगाया ऐसे, बरोबर। तो यहाँ पर जो मेरा 1 इंची का मैंने निशान लगाया है, ये यहाँ पर इसको इस कोने से यहां से इस तरीके से मिला देना है, बस इतना सही है। इसे हम क्या करेंगे, काट लेंगे। कितना है नीचे तक काट लेना है, लगभग 3-3.5 इंच तक लंबा रखना है बस, ज्यादा नहीं। इस तरीके से ये मैंने एक ट्रायंगल शेप बनाया है, समझिए, तो एक ट्रायंगल शेप है। तो अब मैं बताती हूँ आपको इसका यूज कहाँ पे करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लाइन पहले खींच के लिया है, यहाँ पर एक लाइन खींचा, यहाँ पर एक ऊपर की तरफ। अब जो हमारा ये पीछे का भाग है, ओके, इसको इस तरीके से हमें रखना है, कहाँ पर, ये 1/2 इंच ऊपर छोड़ा करके। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान देना है कि मैंने यहाँ पर इसमें कम किया है पीछे के भाग में, लेकिन आगे के भाग में कम नहीं करना। आगे का भाग जितना है हमारा उतना ही रखना है। तो आगे का भाग मेरा था 36 में, ये हमारा आगे यहाँ पर 9, बरोबर, यहां से 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो इसे हम इस तरीके से छोटी लाइन खींच लेंगे, ये देखिए। अब हमें यहाँ पर इतना ऊपर रखना है और इस लाइन से मिला दिया है। यदि हम ये पहला नहीं मापते तो हम कहाँ पर इसको रखते, यहाँ पे, तो क्या हो जाता, टाइट हो जाता था। हमें आगे का भाग नहीं टाइट करना, आगे का भाग हमारा जितना है उतना ही रखना है। तो मैंने इस लाइन पर इसको रख दिया है, बरोबर। इस तरीके से हम इसको मैंने ऊपर चढ़ाया है, ओके। अब ऊपर चढ़ाया क्यों है वो समझिए, मैंने ऊपर चढ़ाया तो ये आरमोल छोटा हो गया है, हाँ, तो अब आरमोल अंदर का हम ज्यादा गहरा काटते हैं, बरोबर। इस तरीके से पहला एक लाइन खींचा और यहां से इस तरीके से हम ओके, ये सब हो गया, हमारा आरमोल सेट हो गया। अब क्या करेंगे,
जो हमारा मेजरमेंट है चेस्ट हमारा कितना है 36 बराबर। तो यहाँ पर सिलाई मार्जिन का एक निशान पहले हम मार लेते हैं, ओके। और यहाँ पर हमारी शोल्डर की चौड़ाई 3.25 दे देती हूँ मैं, ये मैं गला भी बना ले रही हूँ पहले। तो गला कितना है हमारा 6 इंच है आगे का गला, ओके। इस तरीके से थोड़ा सा तिरछा, और ये मैं यहाँ पर इस तरीके से शेप दे दी बराबर। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ पर निशान लगाना है। अब ये देखिए मैंने सिलाई मार्जिन छोड़ा करके माप रही हूँ, छाती का चौथा भाग 9, उसमें 1/2 इंच प्लस किया तो 9.5। कोई भी मेजरमेंट हो छाती का चौथे भाग में मैं 1/2 इंच प्लस कर देना है सिलाई मार्जिन छोड़ा करके। अब यहाँ पर इस स्केल की मदद से मैं सीधा लाइन खींच लूंगी, ओके। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, ये हमारा जो है समझिए हमारा 9, तो 9 को 9 है छाती का चौथा भाग आया हमारा ये, इसको 3 भाग में हम पट्टी को टेप को फोल्ड करेंगे। कैसे करेंगे ये समझिए, ऐसे इस तरीके से ये इसको 3 फोल्ड में कर देंगे। तो ये देखिए कोई भी मेजरमेंट हो हमारा चेस्ट कोई भी हो कितना भी हो इस तरीके से मैं फोल्ड कर देती हूँ। तो इसमें क्या होता है ये देखिए 3 फोल्ड किया तो मेरा आ गया कितना 3, ओके। आपका इसी तरीके से कोई भी मेजरमेंट हो उसको 3 फोल्ड में करके जो भी आएगा उसको पकड़ के क्या करेंगे, इसमें हम 1/4 इंच मिला देंगे बरोबर। तो 3 था तो 1/4 इंच मिलाएंगे तो कितना होगा 4.25 हो गया, ओके। तो अब 4.25 को हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से, हाँ। अब यहाँ से अब नीचे का निशान मारना है हमको, तो 4.25 में से अब फिर माइनस कर देना 1 इंची, हाँ। तो कितना हो गया 3.5, तो 3.5 हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे और, ओके, ये आ गया। अब यहाँ से वही 3.5 यहाँ पर भी हमें रख देना है, पहले 3.5 यहाँ पे किया फिर यहाँ पे 3.5 किया, ओके। अब क्या करना है हमको, कुछ भी नहीं, बस इस ट्रेंगल को हमें इन दोनों को मिलाना है बस, ये इस तरीके से मिला दिया। तो अब इसकी दूरी कितनी है, 3 है बराबर, तो 3 इंच यहाँ पर भी देखना है, ये यहाँ पर ये भी 3 इंच आए, ओके। अब क्या करेंगे हम इसे मिला देंगे, ये देखिए। तो इससे क्या होता है हमको बीच में कितना हमको उभार देना है, तो यहाँ पर कैसा फिटिंग भी प्रॉपर रहेगा, लूजिंग एक्स्ट्रा कपड़ा भी नहीं होता है और परफेक्ट बैठ जाता है। और अब क्या करेंगे, यहाँ से लगभग 4-4.5 इंच, यहाँ से भी अगर पकड़ के चलो तो 4.5 इंच हमें नीचे उतारना है, ओके। अब इस सेंटर से इसको मिला देना है इस तरीके से, हाँ। अब यहाँ से ये शेप पट्टी की मदद से चाहे तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, हाँ। यहाँ से हमें उतारना कितना है नीचे 2 इंच 2.5 इंच, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच उतार दे रही हूँ नीचे, ओके। और यहाँ से भी मुझे 2.5 इंच ही उतारना है, तो मैं अब इसे इस तरीके से सीधा पट्टी ऐसा कर लेती हूँ, यहाँ से ये आया सीधा, ऐसा मैं थोड़ा तिरछा कर दे रही हूँ, ओके। और यहाँ से भी इस तरीके से हल्का सा तिरछा बस, हम्म। अब यहाँ से मैं माप लेती हूँ कितना मेरा कमर, तो कमर कितना है, ये आया कितना है देखिए, ये आ रहा है 2.5 इंच से थोड़ा सा ज्यादा, तो यहाँ पर मैं इस 2.5 इंच को रख रही हूँ। और मेरा कमर कितना है 30, तो 30 और यहाँ से आया 7.5, ओके, चौथा भाग। और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा कर रही हूँ,
ये हो गया। अब इस लाइन को इससे मिला देना है, ये। अब मेरा ये पीछे का जो पल्ला है इसे थोड़ा सा ऊपर चढ़ाते हुए रख रही हूं मैं यहां पर, सॉरी इतना है। ये यहां पर निशान आ गया है। अब क्या करेंगे, ये मिला दिया। ये मेरा कटिंग हो गया कंप्लीट। इससे क्या होता है, यहाँ पे उभार भी अधिक आ जाएगा और ये जो कपड़ा एक्स्ट्रा होता है यहाँ का कवर हो जाता है। तो इससे क्या होता है, प्रिंसेस कट का जो फिटिंग है बहुत ही सुंदर बेहतरीन तरीके से बनता है। ऐसे अब कट कर लेना इस तरीके से। यहाँ पर क्या करना है हमें, किस तरीके से खड्डा नहीं करना है, यहाँ पर इस तरीके से शेप देना है। ओके, यहां से भी ये, इस तरीके से आप बनाएंगे तो आप एक बार ट्राई करिए, बहुत ही सुंदर फिटिंग आएगी। ये मेरा सिलाई मार्जिन मेरा आधा इंच है। यहाँ पर आगे मुझे हुक लगाना है आधा इंच, तो मैं इतना सिलाई मार्जिन छोड़ दे रही हूँ आगे का इस तरीके से। अब मैं इसको आपको कपड़े भी काटना बताती हूँ। यहां से क्या करेंगे हम, ऐसा है सीधा दुश्म तिरछा काटेंगे। ओके, ये पीछे की तरफ थोड़ा सा तिरछा, ये देखिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब मैं इसको आपको कपड़े पे कटिंग करना बताती हूँ, कपड़े पे किस तरीके से हम काटेंगे। तो इस तरीके से हम कपड़े पे रख रहे हैं इसे, यहाँ पर एक साइड में मैं कपड़े पर इसको बिछा दे रही हूँ। सेटिंग करना पड़ता है कि कपड़ा हमारा वेस्ट भी नहीं हो और अच्छे से बैठ भी जाए। ये मैंने यहाँ पर मैं पीछे का आगे का भाग जो पीछे का भाग निकाली थी यहाँ से, इसी के साइड में मेरा ये भी एडजस्ट हो जा रहा है, तो मैं यहीं से अपना निकाल ले रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से, पहले हम इसे निशान पूरा लगा लेंगे, ये हो गया। अब इसे मैं कटिंग करना बताता हूँ, कटिंग कहाँ से करेंगे, इतना मेरा सिलाई मार्जिन जो है रखते हुए हम कट करेंगे। ओके, ये देखिए ये मेरा सेंटर है, यहाँ पर मैं चटका लगा दे रही ताकि जब मैं दोनों भाग को जोड़ू तो बरोबर हो। अब जो हमारा ये वाला भाग है दूसरा, इसको भी हम कटिंग करेंगे। तो
तो इसको भी हमें सीधा ही रखना है, टेढ़ा वेढ़ा कुछ भी नहीं रखना है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, सीधा ही कपड़े पे हमें जमा देना है। ये देखिए, तो मेरा यहाँ पर कपड़ा बच जा रहा है, यहाँ से मेरा छोटा सा हाथ भी निकल आएगा, मैं आपको हाथ भी निकालना बता दूंगी। मैं अभी इसे पहले करके आपको बता देती हूँ। ये हो गया, कटिंग किया मैंने। अब इसे इस यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा कि इतना ये मेरा सिलाई मार्जिन, इतना मैं सिलाई में कपड़े को दबाती हूँ, तो मैं इतना ही इसे एक्स्ट्रा कर रही हूँ। आप जितना भी दबाते हैं सिलाई मार्जिन, उतना ही दबा ले एक्स्ट्रा, नहीं तो क्या होगा, ब्लाउज लूज बन जाएगा, या अधिक आपने ज्यादा ले लिया तो ब्लाउज ढीली बन जाएगी, ऐसा है। ये हो गया, ये मैंने कट कर लिया है, ये आप देख सकते हो कि किस तरीके से कटिंग हुआ है। ये देखिए, ये हमारा प्रिंसेस कट इस तरीके से कटता है। ओके, तो अब मैं आपको हाथ बता देती हूँ, हाथ स्लीवलेस छोटी आस्तीन है तो उसका भी तरीका देख लीजिए, कितना बेहतरीन तरीका है, आप बहुत ही आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक निशान लगाऊंगी नीचे इस तरीके से। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमारा आस्तीन है 3 इंच। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ से 3 है तो 1 इंच प्लस, आधा इंच नीचे मार्जिन दब जाएगी, आधा इंच ऊपर, तो यहाँ से हम 4 इंच पर कर रहे हैं, बरोबर। यदि आप आधा इंच नहीं दबाते हो, कम दबाते हो, थोड़ा सा आप कम भी नीचे कर सकते हो, उससे आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे जिससे हमारी आस्तीन तो छोटी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, बेसिक समय बता रहे, जैसे हमारा आधा इंच नीचे दब जाता है, आधा इंच ऊपर से दबेगा, तो आधा इंच हमको पट्टी रखनी रहती है, बरोबर। तो ये यहाँ से आधा आधा ये जब दब जाएगा तो आधा इंच थोड़ी सी रहेगी यहाँ पे। ओके, तो कहने का मतलब मैं डायरेक्ट बता सकती हूँ कि आपको 1.5 इंच रखिए, नहीं क्यों नहीं बताई, क्योंकि आपको मैं समझा भी दे रही हूँ, और यहाँ से ये हो गया कि यहाँ से हमें कितना नीचे लेना है, तो ये 2.5 इंच नीचे रखना है इस तरीके से, या फिर आप यहाँ से ही 1.5 इंच ही रख सकते हो। ओके, अब यहाँ से हम इस तरीके से निशान लगाएंगे, ये निशान मैंने सीधी लगा दी है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 3 इंच की एक चौड़ाई रख देंगे, क्योंकि हमारी जो शोल्डर होती है, कंधे की गोलाई, वो 3 इंच तक थोड़ी सी राउंड होती है, उसके बाद नीचे चली जाती है। अब यहाँ से हमारा आर्मोल कितना है वो देखना, हमारा आर्मोल 8, तो थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं, इसे कपड़ा छोटा हो जाएगा। एक कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों पल्ला हमें कभी, हमारा अस्तर का जो कपड़ा होता है वो कम होता है, मतलब अगर हम इस तरीके से डायरेक्टली अगर ऐसा कर देंगे तो हमारा आर्मोल जो है कम हो जाएगा, मतलब दोनों तो बरोबर रहेगा यहाँ पर, लेकिन ये पूरा यहाँ तक जाने पर कट जाएगा, तो वो हमको बाद में प्रॉब्लम होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा जितना भी आए, एक पल्ला नीचे का पीछे का छोटा रह जाएगा, एक बड़ा रहेगा, तो उससे क्या होता है, सिलते समय आपको पता रहेगा कि हाँ हमें शोल्डर आर्मोल की, हमारा आस्तीन कितनी लंबी है वो हमें पता चलता है। ओके, तो यहाँ से देखिए, मैंने लंबा रखा है एक छोटा बड़ा, तो यहाँ से मैं 8 इंच पर निशान लगा दे रही हूँ आर्मोल का आधा, और यहाँ से ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा। ओके, तो अब हो गया, तो यहाँ से अब कितना है, हाथ घेरा मेरा 13 है, तो 13 का आधा होता है 6.5। ओके, ये 6.5 हो गया। अब यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा, ये हो जाता है हमारा सिलाई मार्जिन। तो इस तरीके से मैं इसे मिला देती हूँ, पहले आपको पता चलेगा।
ये मैंने मिला दिया। अब यहां से हम थोड़ा सा अंदर लेंगे आधा इंच, हाँ इस निशान से आधा इंच अंदर, यहां पर इस तरीके से आप इन दोनों को मिला दिया। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, इस तरीके से गोलाई दे देंगे। अब यहां से भी हम गोलाई देंगे, ये जो खड्डा है इस खड्डे को हमें मिला देना है इस तरीके से। तो देखिए कितनी सुंदर शेप आ गई। इसी तरीके से आप कोई भी आस्तीन बड़ी छोटी बनाए तो जो शेप देने का तरीका है यही रहेगा, इससे बहुत ही अच्छी शेप आती है। ओके, अब मैं आपको वो भी बता देती हूँ इसी में आगे का। ये तो हो गया समझो, ये समझिए पीछे का, आगे का इसमें क्या करेंगे, ये यहां से पौना इंच अंदर नीचे रहता है, तो इसे इस तरीके से हल्का हल्का शेप देते हुए यहाँ पर ही आगे का हो गया या पीछे का हो गया है। तो पहला मैं पीछे का कटिंग करती हूँ। ये देखिए, ये नीचे का मैंने कट किया। अब यहां से ये हो गया, यहां से मैं इसको भी कट कर देती हूँ। ये हो गया, ये देखिए ये मेरी आस्तीन कटी। अब यहां से क्या करेंगे, ये आगे का शेप दे देंगे। यहां पर आगे का चटका दे देंगे, इस तरीके से कट लगा देंगे तो पता चलेगा कि हमारा आगे का है। तो देखिए अब यहां पर जो है ये छोटा है लेकिन यहाँ पर प्रॉपर आ गया है शेप। तो हम क्या करेंगे, बाद में सिलाई करते समय यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे, तो जॉइंट लगाएंगे तो पता रहेगा कि हाँ इतना ही बड़ा रखना है, इसीलिए मैंने एक भाग बड़ा एक भाग छोटा रखा था। ओके, तो आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए डाल सकूं। क्योंकि जिस तरीके से मैं कटिंग करती हूँ वो कस्टमर को प्रॉपर फिटिंग बैठता है, तो मैं सोचती हूँ कि आपको भी मैं बताऊँ। मैं यहाँ पे सिलाई भी सिखाती हूँ तो इसलिए आपको भी बताना चाहूंगी कि आप लोग भी अच्छे से कटिंग करें। ओके, धन्यवाद। तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ अस्तर कटिंग कैसे करते हैं और उसे चिपकाते किस तरीके से। ओके, तो मैंने एक कपड़े को डबल फोल्ड में इस तरीके से रखा है और अस्तर को इस तरीके से इसके ऊपर, ये जो मैंने अस्तर कटिंग किया तो मैं आपको इसका कटिंग बता देती हूँ। ओके, ये देखिए, ये समझिए मेरा ये पीछे का पल्ला है, ये कैमरे में थोड़ा थोड़ा ही आ रहा है तो मैं इसे कपड़े को सरकाना पड़ रहा है। ये देखिए इस तरीके से हमें एक्स्ट्रा कपड़ा काटना है। इसमें थोड़ा सा हमें अस्तर का जो फैब्रिक हमारा है मेन, उसे थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि अभी मैं बताऊंगी ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ। इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे अस्तर तो आपका फिनिशिंग बहुत अच्छा है। इस तरीके से आपको सभी जितने भी पार्ट हों उसे आप कटिंग कर लें। ओके, ये देखिए, इसकी मैं वीडियो कटिंग की अपलोड कर चुकी हूँ, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं इसे इसके अस्तर की कटिंग में सोचे आपको बता देती हूँ, आपको हेल्पफुल रहेगा। इस तरीके से देखिए, ये जो मेरा आस्तीन है इस तरीके से मैं रख के इसे कट कर रही हूँ। कभी आपका कपड़ा कम भी हो तो इस तरीके से एक साइड कम ज्यादा करके जॉइंट लगा सकते हैं। ये देखिए, मैंने सारे पीसेस में एक्स्ट्रा ही कपड़े रखा है। अब मैं आपको इसे कपड़े को किस तरीके से अटैच करते हैं एक दूसरे को उसको मैं बता देती हूँ। तो ये मैंने एक
पीस ले लिया है। अब मैं इसे आपको बताती हूँ कि किस तरीके से मैं चिपकाती हूँ। तो ये पहले मैं साइड में कर दे रही हूँ, ये मेरा फैब्रिक है, इसे इस तरीके से खोलना है। ओके, ये दोनों आमने सामने होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने एक में चिपका लिया फिर एक में रखा ऐसा, तो क्या ये एक तरफ नहीं होना चाहिए कभी भी। जैसे ये एक तरफ हो गया है ऐसा नहीं होना चाहिए, कभी भी ये दोनों आमने सामने होना चाहिए। ओके, ये मेरा फैब्रिक ग्लू है, इस तरीके से मैं चिपकाती हूँ। इस तरीके से चिपकाने में ना बहुत ही अच्छा फिनिशिंग रहता है। हम जो सिलाई से कपड़े को अटैच करते हैं तो उसमें क्या होता है, कपड़ा खींच जाता है, एक कपड़ा खींच जाता है तो उसको सेटिंग करना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा इस तरीके, थोड़ा थोड़ा इस तरीके से मैंने पूरा लगा दिया है गोन। अब इस तरीके, अब क्या करना है, हमें एक कपड़ा लेना है, अभी इस तरीके से एक कपड़े को इधर रखना है, एक कपड़े को इस पे। ओके, इस तरीके से रखने के बाद में हमें इस तरीके से पलटी करना है और हाथों की मदद से हल्को इसको थपथपाना है। इस तरीके से थपथपा देंगे और इसे भी इसके ऊपर रख देंगे, तो हम जितने भी कपड़े चिपकाए गोन से उसको एक दूसरे के कपड़े के ऊपर रखते जाए। हाँ, ये देखिए, ये मेरा पीछे का पार्ट है, इसको भी मैं इस तरीके से खोल ले रही हूँ। इसमें तो मुझे पैटर्न बनाना है, लेकिन अभी मैं इसको चिपका दे रही हूँ इसमें आपको बताने के लिए। मैंने इसीलिए गला नहीं कट किया है, अगर मैं इधर बीच में गला कट भी कर लूंगी तो मैं उसी तरीके से ये करूंगी। ओके, तो ये देखिए, ये इस तरीके से फोल्ड करके मैंने इसके ऊपर रख दिया। इसी तरीके से जितने भी पार्ट है हमारे उसको इसी तरीके से चिपका लेना है। हाँ, सारे के मैं सब नहीं चिपका के बता रही हूँ, क्योंकि सारे फैब्रिक इसी तरीके से चिपकाना है। अब मैं आपको इसको कटिंग का फिनिशिंग करके बताती हूँ कि किस तरीके से इसका लुक आता है। फिर आपको सिर्फ सिलना सिलना रहता है। जो कहते हैं अस्तर वाला बहुत कठिन होता है, तो कुछ नहीं कठिन होता है, वो बहुत आसान होता है। अगर हम सही तरीके से अगर काम करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है वो काम करना। ये देखिए, इसे मैं एकदम परफेक्ट तरीके से काट रही हूँ ये हो गया इस तरीके से, ये एकदम परफेक्ट हो गया। इसी तरीके से मैं सारे के सारे कटिंग कर लेती हूँ। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि ये हमारा आस्तीन है, इसमें मुझे लेस लगाना है। तो लेस लगाना है तो मैं पहले ऐसे नहीं चिपकाऊंगी, इसको कब चिपकाऊंगी, पहले तो मैं यहाँ पर इस तरीके से ऐसे रख करके अंदर इस तरीके से क्या करना है हमें बता देती हूँ। मैं एक पार्ट निकाल दिया यहाँ पर, अब एक पार्ट है, तो इसे क्या करेंगे, यहाँ पर सिलाई करेंगे। ओके, ये सिलाई कर लेंगे पूरा, उसके बाद में हम पलटी कर देंगे। हाँ, पलटी करने के बाद में इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। ओके, ये जब पलटी कर देंगे तो ये हो जाएगा, फिर हमें गम लगाना है, ये जो ग्लू लगाएंगे तब लगाएंगे, तो क्या हो जाता है, ये कवर हो जाता है। हाँ, पीछे का पार्ट में भी जैसे आपको लेस लगाना है अगर, तो आपको इसी तरीके से ये कवर कर लेना। हाँ, उसके बाद में आप लेस लगाना है, नहीं तो क्या, आप डायरेक्ट पहले ही लेस लगा इसको चिपका देंगे तो क्या होगा, ये कच्चा रह जाएगा, तो आपको उसको कवर करना पड़ेगा। तो कवर करने के लिए पट्टी लगाना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना है, इसे पहले पलटी करके सिलाई कर लेना है, उसके बाद में ही ग्लू लगाना है। ओके, तो आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।